विक्की उड़ान कार्यक्रम की प्रायोजक हैं NSIC, नई दिशाएं नई पहल। नमस्कार दोस्तों, कामयाबी की उड़ान के एक नए एपिसोड के साथ मैं एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हम NSIC और NSIC की अलग अलग स्कीम्स के बारे में जानकारी आप सभी के सामने लाते हैं, तो आज भी इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए लाए हैं एक नई स्कीम, रॉ मटेरियल असिस्टेंस स्कीम। तो आइए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रॉ मटेरियल असिस्टेंस स्कीम है क्या। उद्योग छोटे हों या बड़े, बगैर कच्चे माल के हम उद्योग की कल्पना नहीं कर सकते। इसी सिलसिले में NSIC ने रॉ मटेरियल असिस्टेंस स्कीम को तैयार किया है। इस स्कीम के नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या होगा, मतलब कच्चे माल को खरीदने के लिए दी जाने वाली सहायता योजना। इस स्कीम को इस तरह समझा जा सकता है कि किसी भी उद्योग को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल बेहद जरूरी है। रॉ मटेरियल के बिना किसी भी औद्योगिक इकाई का काम करना लगभग असंभव है। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस जो NSIC के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, उन्हें अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए कच्चे माल को खरीदने में किसी तरह की कठिनाई न हो, उन्हें ज्यादा कीमत अदा नहीं करनी पड़े, समय पर कच्चा माल हासिल हो जाए, उसकी क्वालिटी में किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। मतलब स्पष्ट है, कच्चे माल को खरीदने के दौरान आने वाली सभी तरह की परेशानियों से स्मॉल इंटरप्राइजेस को मुक्त रखना ही NSIC की इस स्कीम का एकमात्र उद्देश्य है। इन बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि रॉ मटेरियल असिस्टेंस स्कीम भारत के स्मॉल इंटरप्राइजेस का एक प्रभावशाली कदम है। रॉ मटेरियल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना बहुत ही आवश्यक है। रॉ मटेरियल विक्रय मूल्य का 60-80% तक होता है, और रॉ मटेरियल अगर रीजनेबल प्राइसेस पे उपलब्ध हो जाए तो लघु उद्यमी को किसी भी कंपटीशन को फेस करने में आसानी होगी। आजादी के साथ शुरू हुआ राष्ट्र निर्माण का काम, 1955 बना एक महत्वपूर्ण संस्थान NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। मार्केटिंग, क्रेडिट, टेक्नोलॉजी और रोजगार के अवसर प्रदान करता हुआ NSIC, आप कदम तो बढ़ाएं, हम हैं ना। NSIC की रॉ मटेरियल असिस्टेंस स्कीम को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी NSIC की है। ये जिम्मेदारी NSIC कैसे पूरी करता है, मतलब ये कि इस संबंध में कौन सी पॉलिसी निर्धारित की गई है, आइए इस बारे में जानकारी हासिल करते हैं। रॉ मटेरियल असिस्टेंस स्कीम को व्यवस्थित ढंग से इम्प्लीमेंट करने के लिए NSIC ने भारत के कई बड़ी और स्थापित कंपनीज के साथ MOU साइन किया है, जैसे एल्यूमिनियम के लिए नेल्को और बेल्को के साथ, कॉपर के लिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, आयरन और स्टील के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, पैराफिन वैक्स के लिए चेन्नई पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के साथ। इसके अलावा और भी कई कंपनीज हैं। NSIC कच्चा माल उपलब्ध करवाने वाली इन कंपनीज से बड़ी मात्रा में कच्चा माल खरीदता है। जाहिर है, इस कारण NSIC को भारी डिस्काउंट मिलता है। NSIC उसी डिस्काउंट रेट पर वो कच्चा माल अपनी रजिस्टर्ड स्मॉल इंटरप्राइजेस यूनिट को उपलब्ध करवाता है। इस तरह जब किसी लघु उद्यमी को कच्चा माल कम कीमत पर मिलेगा तो वो अपने औद्योगिक उत्पाद यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की कीमत भी कम ही रखेगा। इस तरह प्रोडक्ट की कीमत पर फर्क पड़ना लाजमी है। कम कीमत पर सामान बेचने पर बिजनेस भी बढ़ेगा। जब उपभोक्ताओं को कम पैसे खर्च कर अच्छा सामान हासिल होगा तो प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी और ग्राहकों के साथ इंडस्ट्रियल यूनिट का भी फायदा होगा। इसके अलावा
अगर किसी भी कारण से बाजार में कच्चे माल की कमी होती है तो ऐसी स्थिति में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कच्चे माल को उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी NSIC की है। NSIC द्वारा इसके लिए रॉ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन की एक योजना लागू की गई है। पूरे देश में हम अपनी शाखाओं के द्वारा और विभिन्न वेयरहाउसेस के द्वारा इस योजना को चला रहे हैं। इसके अंतर्गत हम बड़े उत्पादकों से रॉ मटेरियल क्रय करने का अनुबंध करते हैं और इसे छोटी छोटी क्वांटिटी में, छोटी छोटी मात्रा में लघु उद्यमियों की आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराया जाता है। दोस्तों, कच्चे माल को खरीदने के लिए दी जाने वाली सहायता योजना यानी रॉ मटेरियल असिस्टेंस स्कीम पूरी तरह से माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इस स्कीम से आप किस तरह से फायदा उठा सकते हैं, आइए इसके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। NSIC रॉ मटेरियल असिस्टेंस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक निश्चित दिशा निर्देश के आधार पर काम करती है। रॉ मटेरियल के अगेंस्ट क्रेडिट फैसिलिटी भी दी जाती है। इसके अंतर्गत NSIC किसी भी लघु उद्यमी को कच्चे माल की खरीद के लिए 90 दिनों की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मतलब आप कच्चा माल खरीदकर 90 दिनों के अंदर उसकी रकम अदा कर सकते हैं। NSIC रॉ मटेरियल खरीदते समय मार्केट की हालत यानी मार्केट कंडीशन और बाजार की दर यानी मार्केट रेट का विशेष रूप से ध्यान रखता है, ताकि स्मॉल इंटरप्राइजेस को अधिक से अधिक लाभ हासिल हो सके। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को प्रगति का बेहतर से बेहतर अवसर प्रदान करना NSIC की प्राथमिकता में हमेशा रहा है। अगर NSIC की रॉ मटेरियल असिस्टेंस स्कीम का बारीकी से स्टडी करें तो पाएंगे कि इस स्कीम में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को मुख्य रूप से प्राथमिकता दी गई है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट बिना किसी परेशानी के आसानी के साथ कच्चा माल खरीद सकती है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं होती। वहीं दूसरी ओर छोटी औद्योगिक इकाइयों के साथ कई कई तरह की छोटी बड़ी परेशानियां सामने आती हैं। रॉ मटेरियल असिस्टेंस स्कीम कच्चे माल से संबंधित सभी परेशानियों को दूर करने का एक बेहतरीन उपाय है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि रॉ मटेरियल को छोटी मात्रा में उपलब्ध कराने के साथ साथ उसी प्राइस पर उपलब्ध कराया जाए जिस प्राइस पर NSIC को ये बड़े उत्पादकों से मिलता है, एक्स फैक्ट्री प्राइस पर। जैसे स्टील है, हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय इस्पात निगम या अन्य कंपनियों से जिस प्राइस पर फैक्ट्री से माल उठाते हैं, उसी प्राइस पर हम उस माल को छोटी मात्रा में, 1 टन 2 टन 4 टन में हम छोटे लघु उद्यमियों को उपलब्ध कराते हैं। तो इससे एक तो 15 से 20% तक कॉस्ट सेविंग होती है। आजादी के साथ शुरू हुआ राष्ट्र निर्माण का काम, 1955 बना एक महत्वपूर्ण संस्थान NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। मार्केटिंग, क्रेडिट, टेक्नोलॉजी और रोजगार के अवसर प्रदान करता हुआ NSIC, आप कदम तो बढ़ाएं, हम हैं ना। इस स्कीम का फायदा कोई भी NSIC द्वारा रजिस्टर्ड माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस उठा सकती है। इससे जुड़ने के लिए लघु उद्यमी को NSIC की किसी भी नजदीकी शाखा कार्यालय से संपर्क करना जरूरी है, और जहां तक कागजी कार्रवाई की जरूरत है तो इस स्कीम से जुड़ने के लिए किसी खास कागजात की जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रोसेस में NSIC लघु उद्यमी की मदद भी करता है। हमें रॉ मटेरियल जो है एक अच्छी प्राइसिंग पे मिल रहा है उनके बिहाफ पे, वो जो हमें मटेरियल अवेलेबल करा रहे हैं थ्रू नालको और दूसरे कॉपर की भी हिंडाल, अपना आपका हिंदुस्तान कॉपर से जो मटेरियल हमें अवेलेबल करा रहे हैं, उसके लिए प्राइस का काफ़ी बेनिफिट हमें मिलता है, जो कि बड़ी कंपनियों को ही खाली मिल पाता था क्योंकि वो बल्क में खरीदते थे। और अभी NSIC के थ्रू हम भी उसी लेवल से कुछ हमें एडवांटेज मिलता है, ताकि हम भी मार्केट में अब कुछ कॉम्पिटेट प्राइजेस पे माल बेच सके। NSIC की रॉ मटेरियल असिस्टेंट में हमने पार्टिसिपेट किया हुआ है परचेज में, और
NSIC हमें डोमेस्टिक हमारी जितनी परचेज होती हैं उन सब पे हमें बहुत हेल्प करता है, हमारे वेंडर्स की पेमेंट करता है, यहाँ तक कि हमको उसकी पेमेंट 90 दिन बाद करनी होती है, उन 90 दिनों में हमारा रोटेशन बहुत अच्छा घूम जाता है। और डोमेस्टिक की नहीं, यहाँ तक कि हम जो भी इम्पोर्ट भी करते हैं सामान बाहर से विदेश से, उन सबका भी रॉ मटेरियल असिस्टेंस फ्रॉम NSIC हमें कस्टम ड्यूटी तक पे करता है, और कस्टम ड्यूटी पे करने के साथ साथ हमें 90 दिन का उधार भी देता है, यानी कि हम उसकी पेमेंट 90 दिन बाद कर सकते हैं। हमें बैंक से भी अच्छी फैसिलिटी NSIC से मिलती है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि NSIC की रॉ मटेरियल असिस्टेंस स्कीम प्रगति का एक नया मार्ग दिखाती है। हमारी औद्योगिक इकाई छोटी हो या बड़ी, इस स्कीम से ज्यादा लाभ उठा सकती है। जरूरत बस इस बात की है कि हम इस स्कीम को समझने की कोशिश करें। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगी एक नई स्कीम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, नए अवसर पैदा करना, अधिक रोजगार सृजित करना, प्रभावशाली बनना, विकास के मार्ग पर एक बड़ा अंतर तय करना, यही है NSIC। हमारा पता है कामयाबी की उड़ान, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली 110020। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है feedback@nsic.co.in। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800111955। और अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nsic.co.in।